मैं अभी कुल की बात करता हूँ। जब मिनिस्टर जो है ना, या सिस्टम एमएस लगने के पैसा लेता हो, फिर बाद में मंथली भी हो, तो अस्पताल कैसे वहाँ सिरिंज होगा? सिरिंज हो आपके ख्याल में फिर होगा? नहीं होगा। तो मैंने आके उस निज़ाम को चेंज किया है और इंशाल्लाह ताला उसकी बेहतरी आपको दिखेगी। जब एक एमएस को हम लगाते हैं, उसको लगने के साथ हम कहते हैं कि आपने इतने पैसे लगने के देने, फिर उसके बाद आपने मंथली इतना देना है, तो हॉस्पिटल में कहाँ से दवाई होगा, सिरिंज कहाँ से होगा? और ये सिस्टम चलता रहा। देखिए, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये सिस्टम हमारे सूबे में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सी हुकूमतें गुजरी हैं, लेकिन यही सिस्टम था। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मुमकिन है जाम साहब को मालूम ना हो, लेकिन जाम साहब के पास अगर मैं जाता, फ़र्ज़ करें मैं उनके काबीना में भी उनके साथ था, काबीना में नहीं था लेकिन ट्रेजरी बेंचों पे था, अगर मैं बेईमान हो जाऊं और मैं किसी का नाम लेकर जाऊं कि जाम साहब लगा दीजिए इसको, जाम साहब को क्या मालूम कि मैं ईमानदार हूं या बेईमान हूं, मैंने उससे पैसे लिए हैं या मैं वैसे लगवा रहा हूं? तो ये सिस्टम, जाम साहब का मैं नाम नहीं लूँगा कि जाम साहब ऐसे बंदे नहीं थे, लेकिन कबल इसके ये हेल्थ डिपार्टमेंट तो जाम साहब के टाइम का नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट को तो जब से ये सूबा वजूद में आया, हेल्थ डिपार्टमेंट चलता रहा है।